नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में तावुन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उमरा सर्विसेज, आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। कर्नाटक के शिमोगा में एक फिक्र अंगेज वाकया पेश आया, जहां प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में बीजेपी के लोग सड़क जाम करके मिठाइयां तकसीम कर रहे थे और उनके दरमियान बुरका पोश खातून फंस गई। खातून स्कूटर से अपने बच्चे के साथ गुजर रही थी, जिसे देखकर वहां जमा सैकड़ों हिंदू जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके जवाब में इस खातून ने नहायत दिलेरी से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। इस वाकये की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई है कि यह वाकया शिमोगा के शिवपनाइक वर्ता चौक का है, जहां बीजेपी के लोग पिंडाल बांधकर मिठाइयां तकसीम करते हुए पूरी सड़क को जाम कर दिया था। इसी दौरान वहां से एक बुरका पोश खातून अपने बच्चे के साथ स्कूटर से गुजर रही थी, जिसे रास्ता देने के बजाय रोक दिया गया। इस खातून ने जब इसरार किया तो प्राण प्रतिष्ठा के नशे में सरशार बीजेपी के लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ये देखकर इस खातून ने भी बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर के नारे लगाए, जिसकी वजह से वहां का माहौल थोड़ी देर के लिए कशीदा हो गया। बताया जाता है कि हालात तश्वीशनाक होने से पहले मकामी पुलिस ने समझदारी दिखाई और इस खातून व बच्चे को पुलिस जीप में बिठाकर महफूज मकाम पर ले गए। इस दरमियान कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के लिए बदनाम साबिक नायब वजीर आला एस ईश्वरपा के साहिबजादे के ईकंश ने पुलिस से इस खातून को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। याद रहे कि कर्नाटक में हिंदुत्ववादी इश्तियाल अंगेजी का एक नमूना फरवरी 2022 में भी पेश आया था, जब मुस्कान खान नामी एक तालिबा हिजाब के साथ अपने कॉलेज गई और इसे देखकर भगवाधारी तलबा जय श्री राम के नारे लगाने लगे थे। इन नारों के जवाब में मुस्कान ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। सपोर्ट